Hello banking and insurance aspirant, in this session we are going to discuss about the ESIC MTS result cutoff and expected date of the result and also ESIC MTS main exemption date, right, and expected date, all the things. Also we are going to discuss about the refund of fees, right, jo SCST female candidate hain उनका फीस रिफंड होना था ESIC UDC के लिए, अपर डिवीजन क्लर्क और MTS के लिए, और साथ ही साथ SSO का अगर आपने फॉर्म फिलअप किया उसके लिए भी. ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. मैंने ओपन कर लिया है राइट नाउ. उसके बाद आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट का जो आइकन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना राइट फॉर द अपडेट इन द ऑफिशियल वेबसाइट. So right now one update is scrolling right now in front of us is a call letter for the phase 1 prelims examination for the post of SSO, right? Social security officer ko jo examination hai uske bare mein admit card yahan pe show kar raha hai aur koi notification show nahi kar raha hai. That means ESIC MTS ka koi bhi update yahan pe official website mein nahi aayi, right? So the expected date for the ESIC result 2022 is 3rd और 4th ऑफ जून, 3 या 4 जून को ESIC MTS के रिजल्ट आने की संभावना है, राइट. एंड द मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन 18th ऑफ जून, राइट. 18 जून को मेंस का एग्जामिनेशन ESIC MTS का एम्प्लॉय स्टेट को इंश्योरेंस कॉरपोरेशन MTS मल्टीपर्पज़ का 18th जून को कंडक्ट हो जाएगी, राइट. सो दिस इज द अपडेट अबाउट ESIC MTS. नाउ विल डिस्कस अबाउट द रिफंड ऑफ फीस फॉर द ESIC UDC and MTS, right? So I'll show you the mail which I have written to the employee state insurance corporation, right? And in that I got reply. I'll show the mail right now in front of you. So guys, this is the mail I have written to the ESIC department. So I got reply, right? I have written some the queries, right, about the रिफंड ऑफ द फीमेल कैंडिडेट एस एस टी कैंडिडेट पी डब्ल्यू कैंडिडेट का जो रिफंड होना था 250 रुपीज़. अगर आपको आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आया गया है या नहीं, यस और नो. नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे राइट कब तक आने वाली है. सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस कर लिया है मैंने. तो इस मेल के रिप्लाई में उन्होंने मेल किया है, जॉइंट डायरेक्टर का रिप्लाई आया है राइट. और उन्होंने कहा है डियर कैंडिडेट द फीस विल बी रिफंडेड शॉर्टली. सादर परीक्षा कक्ष यहाँ पे जो उन्होंने मुख्यालय दिल्ली हेडक्वार्टर दिल्ली से आए हुए राइट कर्मचारी राज्य बीमा निगम ये मेल आई राइट. सो दिस इज द अपडेट अबाउट फीस रिफंड राइट. सो और मैंने बता ही दिया है मेंस का रिजल्ट सॉरी एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड डेट कब है. दिस आर टेंटेटिव डेट विच आई टोल्ड यू राइट. जो एग्जामिनेशन ESIC MTS मेंस का वो 18th ऑफ जून को कंडक्ट होगा क्योंकि 11 जून को आपका SSO का एग्जाम होने वाला है ठीक है. सोशल सिक्योरिटी का यहाँ आप देख रहे हो कॉल लेटर का जो है 11th ऑफ जून को उनका एग्जाम होने वाला है. तो नेक्स्ट वीक 18 ऑफ जून को आपका कंडक्ट हो जाएगा ESIC MTS का एग्जामिनेशन और रिजल्ट ESIC MTS का आ जाएगा 3 या 4 जून को राइट. राइट सो दिस इज द क्विक अपडेट गाइज. इफ यू लाइक दिस अपडेट हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो. And you have to answer a few questions before closing this video. First of all, you have to answer employed state insurance corporation ke managing director kon hai, chairman kon hai, director kon hai. And the next thing you have to answer is that Ministry of Labour Employment ke minister kon, right? India mein jo central minister hai, unka naam batana hai. So this is the quick video about ESIC MTS result, expected date, MTS examination. So answer the questions which I have asked and subscribe the channel right now.